हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी जिंदगी में। एंड फाइनली आज वो दिन आ चुका है, घर से मैं निकल चुका हूँ वरना वो जेड ब्लैक कराने। अब देखते हैं पीछे कराता हूँ या नहीं कराता हूँ। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था ना, उसमें भाई मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। पहले तो उसके लिए भाई थैंक यू सो मच, आपने जो भी एडवाइसेस दी है, मतलब कि थोड़ी बहुत ना मिक्स ही एडवाइस आई है, तो मतलब मैंने मतलब कंक्लूजन ना निकाल लिया है। बट अगेन भाई थैंक यू सो मच। मतलब वही बात है यार, मैं तभी पूछ लेता हूँ क्योंकि देखो नॉलेज ना बांटने से बढ़ती है। जो मुझे पता होता है वीडियो से बता देता हूँ, जो नहीं पता होता मैं कहता हूँ भाई कमेंट्स में जरूर बताना। और आप सब भाइयों ने जो हेल्प करी है ना भाई, मतलब मजा आया कमेंट्स पढ़ के, नई नई चीजें पता चली है भाई। अभी ना यही प्लान है कि मैं जा रहा हूँ भाई कालका की साइड, मतलब की दूसरी साइड पड़ता है कालका, पंचकूला दूसरी साइड है। जो इधर रहते हैं उन्हें पता ही है क्या सीन है। उधर एक लड़के से बात हुई है, कोई स्कूल है सोफिया स्कूल, उसके सामने है शॉप, तो उधर जाके देखते हैं क्या रहता है। मतलब इस वीडियो आपको भी पता चल जाएगा क्या रेट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। बट भाई उससे पहले ना मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये सब काम ना इलीगल है, जेड ब्लैक वगैरह कराना, तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी कराएं। बट आपको बताएं शौक की चीजें होती हैं, और जैसे मैं इतने टाइम से बोल ही रहा हूँ कि मैंने एक दो दिन रखनी है, मतलब एक होती है ना यार मन में खुशी होती है कि भाई ब्लैक कार है तो मतलब जेड ब्लैक कराने, कोई भी कार है मतलब एक रहता है ना कि भाई जेड ब्लैक करानी है। हम किसी चीज को देख लेते हैं, जैसे मैंने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा, मतलब हो ही जाता है ना ऐसे कि भाई करा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और जैसे कमेंट्स में भी आ रखा था भाई इजिली रिमूव हो जाती है, कोई शीशे वगैरह खराब नहीं होते हैं, तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई करा के देख ही लेते हैं। सो यस, मैं भाई कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इलीगल है और इसका चलान वगैरह भी अच्छा खासा है। अगर आप लोग भी कराएंगे तो चलान हो सकता है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो डेफिनेटली होगा, चंडीगढ़ में तो 101% होगा। तो मैं ना ये अपने रिस्क पे ही करा रहा हूँ भाई, मतलब कि ना आज है फ्राइडे, आपको देख सकते हो फ्राइडे 8 तारीख है, और यही प्लान है कि संडे तक मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मंडे को वही है, चंडीगढ़ तो जाना ही पड़ेगा, काम कुम कुछ आ जाएगा। और फिलहाल अभी तो ना एक भाई को चखते हैं, फिर पीछे वाले रास्ते से निकल जाएंगे, मतलब पिंड से ही रास्ते निकल जाए। पिंड में आ रही है रोड, मतलब अब तो हाईवे भी खराब ही है, रोड वगैरह की क्या ही बात करनी। और रास्ता देखो भाई पीछे के, अगर पीछे से होके जाए ना सोसाइटी के, बढ़िया रास्ता मिल जाता है। और ना जो डिफोगर वाले कमेंट्स है ना वो मैंने बहुत पढ़े, बट मुझे ना जो कंक्लूड हुआ ना वो यही था कि अगर डिफोगर आप चलाओगे ना तो जो फिल्म है वो चिपक जाएगी, फिर डिफोगर वगैरह कुछ खराब हो जाएंगे, और जब फिल्म निकाल लोगे तो डिफोगर कट भी हो जाएंगे। बट मुझे ये नहीं समझ आया डिफोगर कट कैसे होगा, क्योंकि वो तो शीशे के मतलब बीच में लगा होता है, मतलब टेक्सचर उसका फील भी नहीं होता है। आप क्या कहना है भैया, कराना चाहिए पीछे नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, कराना चाहिए। और क्या हाल है वैसे, मैंने तो पूछा नहीं आपसे, थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करी नहीं मैंने ब्लॉग में। बहुत भीड़ है भैया आपके पिंड में इस टाइम, होती है कालका में आपके हिसाब से पुलिस? नहीं, हम तो ऐसे हाईवे से चल जाएंगे ना टिपरा वाले से। जाम टाइम गाइस, बहुत टाइम से जाम लग रखा है इधर। अब मैं सोच रहा हूँ आपको ना सीधा शॉप पे मिलता हूँ, अगर शॉप हमें मिल गई, अब शॉप भी ढूंढनी पड़ेगी हमें। ये टेपिंग पॉइंट है मेरे ख्याल से। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम कालका की कार मार्केट में, चलो पूछते हैं क्या रेट है क्या सिस्टम है। ये देखना शेड से ऐसी लुक आती है, शेड से भी ठीक आती है बट वो फिनिशिंग सी नहीं आती। चलो ये सब छोड़ो, जेड ब्लैक करानी हो जाएगी? हो जाएगी। क्या रेट है, ग्रीन करवानी है कि ब्लैक करवानी? भाई ब्लैक, जेड बिल्कुल, जेड बिल्कुल 100%। कौन सी कंपनी की है टेप आप पे? वो अपने पे होगी, तुम ले लो, ये पूछ ले, जेड ब्लैक कर देनी होगी। हां हां, आगे वाला नहीं करना, बस ये साइड वाले और पीछे वाला। क्या चार साइड हो गए बैक की फिल्म में? क्यों खत्म है फिल्म? जेड है 100%। चलो भाई सीन ऐसा है कि पीछे वाला ना शीशा वो मना कर रहे थे, बट कुछ जुगाड़ से, मतलब कि जो पीछे वाला शीशा होता है ना, अब ये देखो। It was at this moment that he knew he fucked up. कैमरे टूट गया? नहीं नहीं ऐसे ना बोल। तो भाई सीन ऐसा है कि हो रही है अब जेड ब्लैक फाइनली, बट इतना बुरा कांड हुआ है ना, अभी मैं शूट कर रहा था, अब ना इधर दिखाता हूँ आपको, जो एक कैमरे का लेंस है ना ये टूट चुका है। मैं वही सोच रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या होता है, लॉस पे लॉस ही हो जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है यार अब जो हो गया मैं कुछ नहीं कर सकता, जान के तो मैंने गिराया नहीं, बट अब ये है कि भाई जेड ब्लैक हो रही है। मैं सोच रहा हूँ शेड्स वगैरह इतने उतार दूं, जो पीछे वाले शीशे है ना इतनी बड़ी ना इन पे मतलब फिल्म नहीं है, इसलिए साइड साइड से करा रहा हूँ, और पीछे से मतलब कि अगर देखता हूँ दोनों फिल्म जुड़ के अगर बन रही है बात तो हो जाएगी, बाकी देखते हैं भाई। उधर हो रहा है प्रोसेस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और भाई इस काम में ना 1 घंटा लगेगा, अभी तो एक शीशा हो रहा है, तो मतलब ये सारे हो जाए, मतलब कि ये तो मैं आपको बता देगी जो सोल्यूशन है ना उससे साफ होती है, फिर ऐसे लगती है। एक बार मैं पास से ही दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद ही कटिंग कुटिंग से हो जाती है, और इसके दौरान आपका इधर से भी गंदा हो सकता है, बट ये साफ हो जाएगा बाद में। भाई अभी अभी पता चला है कि जो लेंस है ना टूट ही चुका है, देखना ये 1x में है, अभी 0.5x में है। अब ना ये देखो फ्लेयर्स आ रही हैं बीच में, अब ये भी ठीक कराना पड़ेगा, इसका खर्चा तो अलग, अब लेंस का खर्चा और अलग आ चुका है भाई। तो ये देखो एक शीशा तो हो चुका है डन, हो रहा दूसरा, बट वही है यार, मतलब जितनी खुशी से आया था ना मैं, वो खुशी ना फ़ोन की वजह से, अब वही है, अब इसके बाद फ़ोन ठीक कराने भी जाना पड़ेगा। ये देखना ये वाला लेंस टूट चुका है, अब मैं वाइड एंगल करूँगा यही,
खराब, क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई फाइनली अपनी कार हो चुकी है जेड ब्लैक, बट जैसे जो कमेंट्स आ रखे थे उसको मैंने फॉलो किया। पहले तो मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई मैं करवा रहा हूँ, बट भाई मैंने रियर में कराया नहीं है, क्योंकि वही जैसे कमेंट्स आ रखे थे मैंने आपको बताया ना कि भाई डिफोगर का सीन रहता है, इसलिए मैंने कराया नहीं है भाई। थोड़ा सा मतलब ऑड सा लग रहा है इधर ये वाइट करके, इधर ना मैं नेट लगा सकता हूँ दूसरा, बट मेरा क्या फ़ायदा, साइड से तो देखो क्या बॉम्ब लग रही है भाई, अमेजिंग। बट अब एक और चीज़ दिखाऊँ जिससे मूड ऑफ हो रहा है मेरा, ये देखो 0.5 में जो पटरी है ना, ये मतलब नुकसान हो चुका भाई। अब लेंस का पता नहीं, फोन एक्सचेंज जो भी होगा चलो छोड़ो, बट इधर से आप लुक देख सकते हैं बड़ी अमेजिंग आ रही है। ये देखो भाई इधर ना जैसे रबड़ होती है इसलिए इधर नहीं आता है भाई ने ये बताया, और अंदर ऑब्वियसली आता है रबड़ है, तो इतना तो देखो दूर से तो वैसे नहीं पता चल रहा, और इधर भी ऐसे गैप है ये। हाँ, सारी जगह रबड़ है। अच्छा रबड़ ही है, सारी जगह रबड़ है, दिखाओ ये रबड़। अच्छा मतलब ये रबड़ का ही है, मतलब वैसे नहीं है। तो भाई फिलहाल मैं अंदर बैठ चुका हूँ कार के, और ऐसा लुक आ रहा है भाई बाहर का, मतलब दिख रहा है क्लियरली, और मतलब अंदर ना बड़ा वो डिम सा लग रहा है। और अभी तो शीशे डाउन भी नहीं करने हैं एक दो घंटे तक जैसे भाई ने बताया, इसे शीशे में डाउन नहीं करूंगा भाई, गर्मी भी इतनी है ना। अब तो कार चलो ठंडी, चलो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे भाई, एडवांटेजेस वगैरह डिसएडवांटेजेस की, अभी इस बारे में बात नहीं करते, अभी मन ही नहीं है भाई किसी बारे में बात करने का। आई नो भाई आप लोग भी मतलब जेड ब्लैक के लिए ही इस वीडियो में आए होंगे, बट यार टाइम का कुछ नहीं पता चलता, मैं वीडियो बना रहा था, लेंस ही टूट चुका है वाइड एंगल वाला, तो इसलिए ना मतलब वो एनर्जी नहीं रही बाद में, बट मैंने बहुत कुछ सोचा था। बट कोई बात नहीं, अभी मैं फोन ठीक कराता हूँ, जितने पैसे लगते हैं भाई लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ इससे ही है काम वगैरह। एंड फ्यूचर वाली वीडियो भी जेड ब्लैक के ऊपर भाई आने वाली है, ये मुझे कैसी लगी मतलब इसका पूरा मैं आपको ओवरव्यू सा दूंगा, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, वैसे तो इलीगल है मैंने आपको पहले बता दी थी, कुछ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है 3:35 और फोन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। पंचकूला से मैं फिर से कॉल का आया, क्योंकि गौरव भाई की कार में गया था, अपने तो जान ही सकते जेड ब्लैक था और विंडो डाउन नहीं कर सकते थे। जैसे आप करा लोगे ना जेड ब्लैक तो ना दो घंटे तक आपको भी विंडो ना डाउन नहीं करनी है, बट भाई जो लुक आ रही है ना बाहर से अंदर से भी मतलब कि अमेजिंग लग रही है कार। अब मतलब कि अब मैं यार वो नहीं कवर कर रहा हूँ कि फोन टूट गया, वो दुख तो हो रहा है, देखो 0.5 पे करूंगा, देख रहे हो फ्लेयर्स कैसे आ रहे हैं, अभी ठीक तो हो गया। मैं एप्पल केयर पे भी गया इमेजिन में, उन्होंने तो वही भाई 29,000 का खर्चा बोला है, बट मैं कहा नहीं यार इतना नहीं खर्च सके, 29,000 कुछ फायदा नहीं है। चलो ये सब छोड़ते हैं, एक चीज देखो, देख रहे हो लग रही है ना सही चीज, मतलब मुझे अच्छी लग रही है। अब आगे ना पुलिस का भी चक्कर है, एक बार मैं सारे ना शीशे डाउन कर लूंगा, जहां पे भी आपको लगे ना भाई आगे पुलिस हो सकती है वहां पे अपने शीशे डाउन कर लो। मैंने देखो सारे शीशे डाउन कर लिए। एंड रियर का ये भी फायदा है, रियर ना कराने का ना कि भाई वो तो डाउन भी नहीं हो सकता, अब देखो शेड लगा हुआ है, तो एक फायदा ये भी है भाई रियर का। चलो अब तो ग्रीन लाइट हो गया, अब तो निकाल ही लेते हैं, बट ये हैक आप काम में ला सकते हैं भाई। चलो जी वापिस शीशे चढ़ा दिए, तो मैं यही बताया था ये हैक ना आप भी अपना सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे ना पुलिस वगैरह है तो शीशे डाउन कर लो। अब वही बात है कि शाम को मुझे जाना पड़ेगा पंचकूला, मैं यही करूंगा, एक जगह पुलिस होती है वहाँ पे डाउन कर लो। मतलब पंचकूला में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में तो भाई कैमराज वगैरह इतने ज्यादा है ना उधर, तो अलग हिसाब है। चंडीगढ़ तो ऑब्वियसली बात है नहीं जाऊंगा, और अभी 1x पे ही भाई शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 0.5x पे तो ये चक्कर है। बस एक बार ना फोन ठीक हो जाए भाई, उससे ना टेंशन खत्म होगी। मतलब मैंने इतना कुछ सोच रखा था ना आज रिकॉर्ड करने भाई, जैसे जेड ब्लैक कराए हैं, बट क्या कर सकते हैं भाई, जो किस्मत में वही होता है। इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको एक और मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ पूछनी होती है जैसे मेरे लिए हुई, मतलब यार मेरे लिए बड़ी बात है, अब इतना ज्यादा खर्चा है ना, अब आईफोन ले तो लो बट वही है टूट टाट जाए, इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है, मतलब क्या ही बोलना है इस बारे में। बट अगर ऐसी चीज जो होती है ना तो मतलब ऑब्वियस आता है, मैं भी भाई बहुत पैनिक में आ गया था, बट चिल करो, अब लेट इट बी सोचो, मतलब कि अब हो गया जो हो चुका है, अब हमारे हाथ में नहीं है भाई, टूट तो चुका है ना, अब मतलब खुश रहने की कोशिश करो। मैं तो भाई बहुत टेंशन में था, बट अब ठीक है भाई, अब टाइम भी बहुत हो गया, मैं कहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, जो सेविंग्स वगैरह करिए इन चीज़ों इमरजेंसी के लिए करता है बंदा सेविंग, अब खर्च देंगे इसमें क्या जाता है। अब तो घर वालों को भी बताया, घर वालों को भी वीडियो के थ्रू ही पता चले, और हालत इतनी खराब हो चुकी है ना, गर्मी इतनी है। एंड जो जो मेरे भाई नए आए हैं वो ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई रोज ऐसी नई नई वीडियो क्रिएट करने में। फिलहाल तो ना मैं सोच रहा हूँ यार इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ। एंड यस, उससे पहले भाई मैं कॉस्ट्यूम बता देता हूँ, ये हुई है भाई 1,000 रुपए की, मतलब 1200 बोल रहा था, और पीछे का ना उस पर वो भी नहीं था जो पूरा एक पैक, मतलब रियर मिरर का पूरा बड़े वाला आता है ना फिल्म, वो वाली फिल्म भी नहीं थी, तो मैं चल रैन दे यार। और वो ये कि कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा, तो मतलब कि एक तरह से 90% तो लोग यही कह रहे थे कि मत कराओ, और इंस्टाग्राम पे डीएम में भी यही था कि भाई मत कराओ, तो मैं सोचा लेट
टिकट भी भाई नहीं कराते, एंड ये 1200 बोल रहा था 1000 रुपए में हो गया। मैं कहा ठीक है 1000 रुपए में हो गया, अब एक दो दिन में उतार देंगे। नेक्स्ट वीडियोस में ना मैं आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड लुक्स वगैरह क्या निखर के आ रही है, सिनेमैटिक्स वगैरह अच्छे से शूट करूंगा। अभी तो आपको पता है क्या सीन हुआ, तो सिनेमैटिक भी ना मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाया हूं, जो भी कुछ करा है वो भी भाई के फोन से करा है, दूसरे वाले से। सो यस आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आप सबको मिलता हूं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।